हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पब्लिक कोचिंग सेंटर। तो मैं हूं अमित कुमार और स्वागत करता हूं आपको इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो यानी कि पार्ट वन, ये तो है क्लास दसवीं का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हम बताए थे जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, वो भी किसका, तो कार्बन का। ठीक है, तो पहले हम इंट्रोडक्शन तो जान गए। अब एक चीज बताया था कि जो पार्ट दूसरा होगा, पार्ट फर्स्ट में मैंने बोला था कि जो वीडियो का पार्ट सेकंड बनेगा उसमें महायुद्ध जैसा पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, इसे एकदम जरा भी स्किप नहीं करना है आपको, और क्लियरली आप इसे देखिएगा। मैं वादा करता हूँ अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, तो इसमें हम बताए थे कि संतृप्त व असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें जो होता है संतृप्त असंतृप्त, अभी समझ में तो नहीं आएगा, अभी आ जाएगा तुरंत। बस दस इसमें क्या पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो फ्रेंड्स, समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मान लीजिए हाइड्रो है, हाइड्रोकार्बन हम तो लिख दिए, इसको अलग अलग करें, हाइड्रो को हो जाएगा हाइड्रोजन और कार्बन का सी। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के जो यौगिक होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये हम नोट्स में दे सकते हैं, अभी हम बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, हम समझाने के लिए ओनली बोर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, आपको दिखता होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो संतृप्त और असंतृप्त में सबसे पहले हम समझते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो पहला इसमें है कि सी परमाणुओं, यानी कि सी का अर्थ क्या है, पिछले वीडियो में बताया ना सी का संकेत कार्बन होता है, कार्बन का संकेत सी। तो कार्बन परमाणुओं के बीच एकल यानी कि सिंगल बॉन्ड बनाता है, आबंध बनाता है। अभी पिछला वीडियो में बताया था, आप बगैर पिछला वीडियो देखे बिना यहाँ बताइएगा, यहाँ पे आपके लिए कोई जगह खाली नहीं है। आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट वन का लिंक दिया गया है, सबसे पहले आप उसे देखिए, उसके बाद यहाँ ये क्लियर समझ में आएगा। क्योंकि हम वीडियो के लिए बगल बनाते नहीं हैं, हम सिखाने का भी गारंटी लेते हैं। तो यहाँ पे कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध बनाता है कार्बन। कार्बन जो है, जो उसका परमाणु है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल आबंध बनाता है, यानी कि इस टाइप से आबंध का प्रतीक हम इस टाइप से दे सकते हैं। मान लीजिए ये सी है, इस टाइप से एक 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 बॉन्ड बनाएगा, इसमें डबल बॉन्ड नहीं लगेगा। अब डबल बॉन्ड कैसे लगता है उससे बताता हूँ, सी परमाणु के बीच एकल आबंध बनाता है, उदाहरण अभी बताने वाला हूँ। अब असंतृप्त में दो चीज आता है फ्रेंड्स, इसमें क्या है एक ही आबंध, असंतृप्त में जो है संतृप्त में एक ही बॉन्ड बनेगा, जबकि असंतृप्त में दो प्रकार का बॉन्ड बनता है। पिछले वीडियो में बताया था कि एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, तो बना सकता है, लेकिन कहाँ बनाएगा ये कंफर्म मैंने नहीं किया था। तो इसमें कंफर्म है कि हाइड्रोकार्बन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक बॉन्ड बनता है, और असंतृप्त में पहले में डुअल बॉन्ड बनेगा, यानी कि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक कार्बन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में है। ठीक है, और एक है ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तीन बॉन्ड आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बोर्ड पे। ठीक है, तो इसका एक एक करके हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि किसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि ये जो एकल बॉन्ड वाला है उसको हम किस हाइड्रोकार्बन के नाम से जानेंगे, और जो ये डबल बॉन्ड बनता है उसको हम किस हाइड्रोकार्बन के नाम से जानेंगे, और इसको हम किस नाम से जानेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसे समझते हैं। इसका एक उदाहरण आप लिखिएगा एल्केन, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एल्केन हाइड्रोकार्बन के नाम से इसे हम जानते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। और इसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एल्किन, इसे हम
एल्किन हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं और इसे एल्काइन, क्या याद रखना है, एल्केन एल्किन एल्काइन, यानी कि एन इन आइन, क्या गजब नाम है, यही तो कार्बन है इसीलिए ये बदमाश है। पर एल्केन एल्किन एल्काइन आप अपने में याद कीजिएगा, अगर मैं रिपीट करूँ तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, रिपीट के लिए मेरा नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि कभी कभी एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है कि जो एल्केन या एल्किन या एल्काइन है इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आपको केमिस्ट्री में एक नंबर का पूछता है कक्षा दसवीं में, वो ये मान लीजिए एल्केन का है तो पूछेगा एल्केन का समान सूत्र लिखें, बगल में एक मार्क्स जल रहेगा, कैसे बनाइएगा उसे समझते हैं। एक फॉर्मूला है आपके सामने कि एल्केन, इसका हम सामान्य सूत्र यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सामान्य सूत्र जो होता है फ्रेंड्स सी एन सी एन एच टू एन प्लस टू, इस टाइप से सी एन एच टू एन प्लस टू, ये एल्केन का सूत्र है, इसमें मत लिख दीजिएगा, इस मैंने आपको पढ़ा दिखने के लिए लिखा है। ये जो उदाहरण है पहले एल्केन का, तो ये तो एल्केन में होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन समूह में आता है। अब एल्केन का जो समान सूत्र है उसका जो फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन प्लस टू होता है, ठीक है। तो अब बारी है एल्किन महोदय का, तो एल्किन का जो समान सूत्र होता है वो होता है सेम इसके जैसा ही, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, मतलब डिफरेंट रहेगा, सी एन एच टू एन, मैंने क्या चेंज किया, सी एन यहाँ भी है, सी एन यहाँ भी है, एच टू एच टू यहाँ भी है, टू एन तक यहीं तक है, बस प्लस टू नहीं रहेगा। इसमें जो एल्किन एल्केन एल्किन एल्काइन है इसमें दो दो का डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, तो जो एल्केन है इसका फॉर्मूला होता है एच सॉरी सी एन एच टू एन प्लस टू होता है, तो डिफरेंट मैंने बोला है ना, तो एल्किन में क्या होगा सी एन एच टू एन, यानी कि दो खत्म, दो घटते जा रहा है। जो एल्काइन होगा तो आप खुद गैस कीजिए क्या हो सकता है, क्योंकि दो घट रहा है हर एक हाइड्रोकार्बन में, इसका हो जाएगा सी एन एच टू एच टू एन माइनस टू, क्योंकि दो दो घटाना है ना। आप ये ट्रिक यूज कीजिएगा, जो एल्केन एल्किन एल्काइन है इसमें आपको दो दो का डिफरेंट करना है और तीनों का फॉर्मूला में बस शुरू वाला आप याद रखिए, जो एल्केन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो सामान्य सूत्र है उसे आप याद रखिए सी एन एच टू एन प्लस टू, एकदम दिमाग में ठोक लीजिए, एकदम फिट हो जाएगा। उसके बाद दो दो का अंतर इसमें घटा दीजिए तो फिर इसमें घटा दीजिए, यही है जनरल फॉर्मूला। तो यहाँ तक मुझे पूरी गारंटी है, मैं कह सकता हूँ अब आपको ये दिमाग में फिट हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और जल्दी से अपने डाउट्स लिखिए आपके आपके नाम के साथ। तो आगे इसे तो मैंने याद करने का ट्रिक बता दिया, अब आगे इसमें तो महायुद्ध बस ज़्यादा नहीं, ये यही हमको फॉर्मूला के बारे में समझना था, एक और महायुद्ध होगा पार्ट थ्री में, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है कि हर एक वीडियो में हमें महायुद्ध की तरफ पढ़ना होगा, ठीक है। तो इसमें हर एक बातों पर आपको ध्यान देना है और एक एक बातों को गौर से समझना है, क्योंकि आप और हाँ अगर हम पढ़ा रहे हैं अब बिना कलम और कॉपी के नहीं बैठेंगे वीडियो देखने, बस ये नहीं कि मोबाइल ले लिए और देख रहे हैं, समझ में आ गया। बहुत लोगों का कहना था, कॉल कर करके मुझे परेशान करते थे कि ये जो चैप्टर है फोर्थ इसका वीडियो बनाया जाए, तो हमने वीडियो को तो बना रहा है बट वो क्या करते हैं चल रहे हैं वीडियो देख रहे हैं, चल रहे हैं वीडियो देख रहे हैं, वैसे कोई समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए आपको क्लियरली समझना होगा। और आगे अभी हम वीडियो बना रहे हैं तो पार्ट थ्री में हम समझेंगे जो मेन स्टूडेंट्स लोग को प्रॉब्लम आता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यानी कि जो फॉर्मूला जो संरचना सूत्र हम बनाते हैं, जैसे अभी मान लीजिए मैंने क्या जी इधर मान लीजिए अभी मैंने बताया कि यहाँ पे माइनस सी एकल बॉन्ड बना, फिर डुअल बॉन्ड बना, फिर ट्रिपल बॉन्ड बना, ठीक है।
तो आखिरी कब और कहाँ लगेगा इसी के बारे में हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना वाले पार्ट थ्री में। तो वेट प्लीज, एंड वीडियो कैसा लगा आप जल्दी से जल्दी बताइए, और एक लाइक तो बनता है इस छोटे भाई के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ, आपके एक ऑर्डर पर मैं वीडियो तुरंत तैयार करके रेडी करके अपलोड कर देता हूँ। तो आप एक लाइक करना नहीं भूलिएगा, और जहाँ तक हो सके सारी वीडियोज़ को आप देखते रहिए, हमेशा रिविज़न करते रहिए, कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये अमित का दावा है। तो आइए दूसरे पार्ट का इंतज़ार करते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा ब्रेक भी ज़रूरी है ना, तो तब तक के लिए।